तो दोस्तों ये है मेरे पास Redmi Note 10 Pro Max और मैं आज करने वाला हूँ Redmi Note 10 Pro Max का अनबॉक्सिंग और देने वाला हूँ एक छोटा सा रिव्यू। तो Redmi Note 10 Pro Max का जो खासियत है वो है आपका 120 हर्ज सुपर एमोलेड डॉट डिस्प्ले विथ HDR 10 सपोर्ट, 108 108 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें है, स्नैपड्रैगन 732G 5000 mAh बैटरी और 33 वाट का चार्जर इसके बॉक्स के अंदर है। तो 120 हर्ज डिस्प्ले भी दिया है, सुपर एमोलेड भी दिया है, तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और Redmi Note सीरीज में अभी एमोलेड डिस्प्ले भी आ रहा है, जैसे Redmi Note 10 में है, Redmi Note 10 Pro में है और Redmi Note 10 Pro Max में भी है। तो Redmi Note 10 का मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखा तो देख सकते हो। Redmi Note 10 Pro मुझे परचेस में नहीं मिला, नेक्स्ट सेल में परचेस करके उसका भी अनबॉक्स करूंगा और वीडियो बनाऊंगा। और Redmi Note 10 Pro Max का बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है, अगर आप कोई खास वीडियो देखना चाहते हो कमेंट पे बताओ, मैं उसका वीडियो यहाँ पे बना के दे दूंगा। तो दोस्तों नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करता हूँ, मैं नवीन आप देख रहे चैनल टेक्निकल MD। तो चलिए देख लेते हैं Redmi Note 10 Pro Max और मेरे पास जो वेरियंट है 6GB 128GB ग्लासियल ब्लू कलर में। तो ये है Redmi Note 10 Pro Max का बॉक्स और बॉक्स में जो चीज़ हाईलाइट यहाँ पे किया गया है 108 क्वाड कोर कैमरा 120 हर्ज एमोलेड और डॉट डिस्प्ले। तो बॉक्स में यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का भी हाईलाइट किया है, मेड इन इंडिया हाईलाइट किया है। मेरे पास जो वेरियंट है 6GB 128GB और भी सारी चीज़ यहाँ पे है। तो बॉक्स ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद कुछ इसी तरह के से और एक बॉक्स मिलेगा जहाँ पर डिजाइन बाय Redmi यहाँ पे लिखा है। और इस छोटे बॉक्स के अंदर आपको कुछ और भी सामान मिल जाएगा, जैसे पहले यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल मिला और एक यूजर मैनुअल यहाँ पे मिला और आपको एक TPU केस मिल जाएगा जो है ट्रांसपेरेंट और जैसे Redmi Note 10 में दिया गया था, Redmi का सीरीज में दिया ऐसे ही। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन मिल जाएगा और फ़ोन को ओपन करने के बाद ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन का कलर मैं बताना चाहता हूँ आपको, ग्लासियल ब्लू। तो ग्लासियल ब्लू कलर है और इस फ़ोन इस पाउच के अंदर से मैंने ओपन कर लिया हूँ और इस फ़ोन को ऑन करता हूँ पावर। तो पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे Redmi का लोगो आ जाएगा और इसको साइड करते हैं और बॉक्स के अंदर क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको एक टाइप सी केबल मिल जाएगा, आप चार्ज कर सकते हो और एक चार्जर जो इसका आउटपुट है आपका 33 वाट। तो 33 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है मेरा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ MIUI 12 का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। जो मेन लुक के बारे में अगर यहाँ पे आए तो थर्ड जनरेशन का 108 मेगापिक्सल कैमरा यहाँ पे है। तो फ्रंट डिस्प्ले का बात किया जाए तो 120 हर्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, ये स्नैपड्रैगन 732 प्रोसेसर है, 732G प्रोसेसर है, 5020 mAh की बैटरी है, 33 वाट का चार्जर मैंने ऐसे ही आपको दिखा दिया वो है अंदर। और फ्रंट का जो कैमरा यहाँ पे दिया गया है वो है 16 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा और डिस्प्ले का साइज है 6.67 गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और पीछे के लुक अगर बात किया जाए तो नया डिज़ाइन कैमरा में जैसे अभी लेके आया है Redmi Note सीरीज में वही कैमरा है। मेन जो कैमरा है 108 मेगापिक्सल का थर्ड जनरेशन 108 मेगापिक्सल कैमरा यहाँ पे है। पर जो दूसरा कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मोड यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे फ्लैश यहाँ पे आपको थोड़ा सा अल्ट्रा डिजाइन बोल के लिखा है, प्रीमियम लिखा है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मेंशन हुआ है जहाँ पर Redmi का ब्रांडिंग है और नीचे की तरफ यहाँ पे देखा जाए तो स्पीकर टाइप सपोर्ट माइक और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रिमोट सेंसर फिंगरप्रिंट रिमोट सेंसर नॉइज कैंसलेशन स्पीकर, इसमें डुअल स्पीकर है और 3.5mm जगह ऊपर की तरफ है। लेफ्ट की तरफ आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाएगा और राइट की तरफ वॉल्यूम रॉकर प्लस फिंगरप्रिंट पावर ऑन ऑफ बटन। और इस फोन का जो सार वैल्यू है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो है बॉडी हेड में 0.83 और बॉडी में 0.64। तो इंडिया में मैक्सिमम 1.6 तक लिमिट है, उसके अंदर ही है। तो मेन चीज़ कैमरे पे आते हैं और कैमरा का जो MIUI कार्ड जो इंटरफेस है वही है। यहाँ पे प्रो मोड मिलेगा, वीडियो मोड मिलेगा, वीडियो मोड के अंदर आपको यहाँ पे 1080 4K 1080 30 60 720 में मिलेगा। यहाँ पे मूवी फ्रेम सुपर मैक्रो ऑप्शन भी है, सुपर मैक्रो भी में आप वीडियो शूट कर सकते हो। फ्रंट कैमरा में भी आप यहाँ पे 1080 720 से शूट कर सकते हो। फोटोज़ में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा, पोर्ट्रेट ऑप्शन मिलेगा, मोड पे जाओगे तो नाइट साइड मोड 108 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा,
डॉक्यूमेंट ब्लॉग वी लॉग इसका भी डिटेल्स में लेके आऊँगा। स्लो मोशन मिलेगा, स्लो मोशन का जो साइज है यहाँ पे 960 FPS 1080 में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और टाइम लैप्स डुअल वीडियो वाला ऑप्शन भी यहाँ पे है, फ्रंट और बैक कैमरा एक साथ शूट कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है जो MIUI में दे रहा है अभी सारे चीज़ें, या वाटरमार्क लॉन्ग एक्सपोजर और क्लोन बोल के भी एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें इस मदद से आप क्लोन भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कैमरा क्वालिटी मुझे अच्छा ही लगा है, थोड़ा सा पहले जब मैंने यहाँ पे ओपन किया था थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, बट एक अपडेट आने के बाद, कैमरा रिलेटेड अपडेट आने के बाद यहाँ पे क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो गया। तो मैंने यहीं पे कुछ पिक्चर सैंपल दे दिया हूँ, आप देख लो, आपको भी शायद अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक कितना स्पीड में काम कर रहा है। मैं यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, तो फिंगरप्रिंट अगर दिखा जाए तो यहाँ पे देखो टच करने के साथ साथ ही यहाँ पे हो रहा है, मतलब प्रेस करने के साथ साथ यहाँ पे ओपन हो रहा है, कोई दिक्कतें नहीं है। और फेस अनलॉक का बात यहाँ पे किया जाए तो फेस अनलॉक भी यहाँ पे बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। तो रेडमी का इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट दोनों ही अच्छा काम कर रहा है। इस फोन में आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिल जाएगा और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेगा इस फोन में। यहाँ पे स्पीकर टेस्ट एक बार कर लेता हूँ, हाईएस्ट वीडियो रेजोल्यूशन पे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ये नीचे का स्पीकर है और ये ऊपर का स्पीकर है, तो दोनों स्पीकर में यहाँ पे जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा आ रहा है। जैसे नॉर्मल सा होता है कि ऊपर का जो स्पीकर है वहाँ से कम साउंड निकलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कमी नहीं है, दोनों स्पीकर में सेम साउंड आ रहा है। टोटल स्टीरियो इफेक्ट और स्टीरियो का इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 4K से देख सकते हो, 104K तक यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर क्वालिटी का बात किया जाए तो यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर अगर जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा 120Hz और रिफ्रेश रेट आप 60Hz कर सकते हो, 120Hz कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 60Hz है, आप अगर 120Hz कर दो तो यहाँ पे बैटरी थोड़ा ज़्यादा ड्रेन होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो सही था Redmi Note 10 Pro Max का अनबॉक्सिंग। तो फ़ोन तो बहुत बढ़िया है, प्राइस 90,999, 6GB 128GB क्वालिटी यहाँ पे मुझको बहुत ही इंप्रेसिव लगा। मेरे पास LG G8X से सैमसंग M31 है, तो मैंने इन तीनों का कंपेयर कर रहा था, लेकिन इसमें जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले का वो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा है, और 120Hz होने के नाते यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी और भी बेहतर यहाँ पे दे रहा है। तो रेडमी आप डिस्प्ले में घुसा है, और डिस्प्ले में इतना दिन जो कमी था रेडमी का फ़ोन में डिस्प्ले का, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कैमरा 108 मेगापिक्सल का अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का ठीक ठाक है। अब देखने होगा इसका बैटरी कितना रहता है और कितना फास्ट यहाँ पे चार्ज होता है। लुक वाइज अच्छा है क्वालिटी, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बम्प आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा, जो कि एक अच्छा बात नहीं है। जैसे रेडमी फ़ोन में नोट 5 प्रो नोट 6 प्रो में भी ऐसा बम्प था, और यहाँ पे भी फिर से ये बम्प आ गया है, तो इसको थोड़ा सा संभाल के रखना होगा। और नया डिजाइन यहाँ पे कैमरा का किया गया है, एक बहुत किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है बुरा भी नहीं लग रहा है, तो ठीक है, मतलब ठीक है। हाथों में टोटली यहाँ पे प्रीमियम फील होगा इस फ़ोन को लेकर, थोड़ा सा प्राइस मुझे यहाँ पे हाई लगा, लेकिन क्या करें, सफर एमोलेड भी दे दिया और यहाँ पे 120Hz डिस्प्ले दिया, यही है ठीक ठाक। तो कैमरा क्वालिटी ठीक है, फ़ोन प्रीमियम सा है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का, और ये फ़ोन अगर लेना चाहते हो एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स से, या फिर जितना फ़ोन अभी इस प्राइस में चल रहा है, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतर मिल जाएगा, कैमरा भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। तो यही था रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का अनबॉक्सिंग, और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का आएगा। अगर कोई खास वीडियो आपने देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट पर जरूर बताओ, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज वीडियो इतना ही, बाय।